The police said the terrorist involved in the killing of 22-year-old army officer from Kashmir, Umar Fayaz, was shot dead. Irshad Ahmed Padar of Lashkar-e-Taiba was gunned down in a joint operation of the SOG and army in the Kulgam area today. Police said 6 cases were registered against him, including the killing of Umar Fayaz. The top police official said some terrorists have been injured in the encounter, though they have managed to give the slip, but the police is tracking them down. Lieutenant Umar Fayaz was abducted and killed by the Lashkar terrorist in May when he was attending a wedding in Shopian. It evoked sharp reactions across the country, and the army chief had said that his killers would be tracked down soon. हमारे पास एक स्पेसिफिक इनपुट था टेररिस्ट की मूवमेंट का. एक विलेज है यहाँ पास में कुलगाम का, तांत्रीपुरा. उस इनपुट के बिना पर हमने जो है एक स्पेसिफिक ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिसमें अर्ली मॉर्निंग एक इनकाउंटर हुआ था, जिसमें ये जो टेररिस्ट है इशफाक अहमद पडर, ये उस इनकाउंटर में न्यूट्रलाइज कर दिया गया. स्टेशन यारीपुरा में इसके खिलाफ 5 केसेस दर्ज हैं और पुलिस स्टेशन शुपियान में एक केस इसके खिलाफ दर्ज है 94 एफआईआर नंबर 2017 का, जिसमें कि लेफ्टिनेंट उमर फयाज को इन दहशतगर्दों ने शहीद किया था. उस केस में इशफाक पडर के साथ और भी कुछ लश्कर-ए-तैयबा के दहशतगर्द मुलविस हैं, जिनकी ट्रेसिंग हम कर रहे हैं और उनको भी जल्दी न्यूट्रलाइज करें. जहां तक बाकी मिलिटेंट्स का सवाल है, हमें इतला मिली है कि कुछ और मिलिटेंट्स को भी इसमें इसी इनकाउंटर के दौरान गोली लगी है, तो उनको ट्रेस हम कर रहे हैं. अभी भी हमारा जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है.